किसानों को लेकर और किसानों को लेकर और जो हाथरस में जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसको लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस प्रकार से यहाँ पर रोकने की कोशिश, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भरपूर प्रयास कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे जो है नहीं जाने दिया जाएगा। आपको मैं ये बता दूं कि किसान बिल जो लोकसभा से पास होकर अब कानून बन चुका है उस पर विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ हाथरस में जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, गांधी जयंती है आज 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस के नेता जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि आज गांधी जयंती है, किसान बिल जो पास हुआ था, एक किसान बिल और दूसरा हाथरस में जो कांड हुआ है उस कांड को लेकर यहाँ पर देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रमन बल्ला, योगेश सहानी, रविंदर शर्मा, बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के वो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इनको रोकने की कोशिश कर रही है, आप आगे नहीं जा सकते। ये तस्वीरें आपको मैं ये बता दूं कि ये तस्वीरें जो है वो शहीदी चौक की है। देखिए सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और देखिए पीछे की बात करें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करें तो देखिए योगेश सहानी, रमन बल्ला, बड़े नेता, बड़ा नाम कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का योगेश सहानी रमन बल्ला बड़ा नाम और इस समय यहाँ पर सड़क पर रोड पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस भरपूर प्रयास कर रही है कि आगे ना आने दिया जाए लेकिन ये कांग्रेस है कि मानती ही नहीं, आगे ही आगे आ रही है। गांधी जयंती है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यह पूरा देश, पूरा भारत गांधी जी की जयंती मना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने मोर्चा खोल लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब ये मोर्चा क्यों खुला है, किसान बिल जो अब कानून बन चुका है उस कानून को लेकर कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हाथरस में जो उस 19 वर्षीय महिला के साथ हुआ है, जो दुर्घटना वहां पर हुई है, ये दो बातों को लेकर आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस, बड़े नाम रमन बल्ला, योगेश सहानी, दो बड़े नाम कांग्रेस के नेता रमन बल्ला, और ये तस्वीरों पर देखिए रमन बल्ला, योगेश सहानी, दो बड़े नाम कांग्रेस के। आमतौर पर आपने कांग्रेस को ऐसे प्रदर्शन नहीं करते देखा होगा लेकिन आज यहाँ पूरा देश जो है वो आक्रोश में है, गुस्से में है और ये कह रहा है कि हाथरस की उस बेटी को, उस महिला को, हाथरस की उस बेटी को
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कारण क्या है, कारण मैंने आपको बता दिया, दो अहम कारण। पहला कारण जो है वो किसान बिल जो अब कानून बन चुका है, दूसरा जिसमें एमएसपी पर बातचीत हुई थी, और एमएसपी पर क्या बात हुई थी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस कह रही है कि उसको कानून बना देना चाहिए, रिटर्न में दे, मोदी सरकार उसको रिटर्न में दे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको खत्म नहीं किया गया है। 6 केंद्रीय मंत्रियों ने उस पर पत्रकार वार्ता भी की थी, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है, कह रही है कि लिखित में चाहिए कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। और दूसरा, हाथरस में जो उस 19 वर्षीय महिला के साथ बर्बरता की गई है, ये दो मुद्दे लेकर आज कांग्रेस गांधी जयंती के उपलक्ष पर सड़कों पर उतरी है, धरना प्रदर्शन कर रही है। ये दो मुद्दे हैं, ये वो दो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता, ठीक पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये धरने पर उतरी है। गांधी जयंती है आज, देखिए कांग्रेस का झंडा जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। दो बड़े नाम, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, इस भीड़ में दो बड़े नाम है, एक रमन बल्ला और दूसरा योगेश सहानी, दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं। रमन बल्ला उप प्रधान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, दो बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूं कि दो बड़े नाम रमन बल्ला, योगेश सहानी, और ये देखिए तीसरा नाम रविंदर शर्मा। समझाते हुए रविंदर शर्मा कि आप अब आगे मत जाइए, रुक जाइए, लेकिन गांधी जयंती पर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन शायद ना किसी ने सोचा था और ना ही शायद देखा था। कोशिश करेंगे बात करने की कि देखिए हम कह रहे थे कि दो बड़े नाम उसमें से, और मैं आपको ये बता दूं कि किसानों को लेकर जो बिल अब कानून में तब्दील हुआ है, एक तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, एमएसपी को बदला नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 6 केंद्रीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? कांग्रेस कह रही है कि लिखित में चाहिए, जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हमें भरोसा नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, रमन बल्ला से बात करने की कोशिश करेंगे। बल्ला साहब, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यह धरना, गांधी जी की जयंती पे गांधी जी ने जो सपना देखा था हिंदुस्तान को संवारने का, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपने एक रूपरेखा दिया थी जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, राहुल गांधी जी को आपने देखा, प्रियंका जी को यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस ढंग से रवैया यहाँ पर बनाया, किसान विरोधी बिल यहाँ पे लाए, जिस ढंग से पहले नोटबंदी की तो व्यापार बंदी हो गई, आज ये फार्म के बिल आ गए, खेत बंदी यहाँ पे कर दी नरेंद्र मोदी ने, ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। उन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हमने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि महात्मा गांधी जी का दिन है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके सुर के साथ अपना सुर बनाने के लिए ये एक रोष प्रदर्शन था। बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने गलती की, क्यों नहीं एमएसपी को कानून बना दिया उसी समय? बीजेपी गलती है तो फिर पंजाब तो हरियाणा के लोग आज उनके दल को टूट रहे हैं, वो अपना मंथन खुद यहाँ पे करें, आज उनकी स्थिति क्या है, वो सिर्फ नंबर गेम के माध्यम से जन विरोधी नीतियां यहाँ पे अपना रहे हैं। तो आज पंजाब का अकाली दल अगर बिल्कुल सही था तो टूटता नहीं, मोदी जी ने जो अपना भाषण है तो चीफ मिनिस्टर गुजरात में दिया, उस भाषण को अगर लागू करते तो वही हमारी आवाज थी। चलिए देखिए, रमन बल्ला का कहना है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, देखिए इस तरफ देखिए, ये दिखाइए, ये कांग्रेस है। और योगेश सहानी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि, और मैंने आपको बताया दो मुद्दे, देखिए दो मुद्दे थे, एक किसान बिल जो अब कानून बन चुका है, और दूसरा हाथरस।
हाथरस में जिस प्रकार से उस 19 वर्षीय महिला के साथ हुआ है, बहुत ही दुखद है वो। और उससे भी बड़ा दुखद ये है कि रात को 2:30 बजे शव को जला दिया गया, माता पिता को अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिए गए। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उस बच्ची के माँ का कहना था कि वो हल्दी लगाना चाहती थी विदाई के समय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज गांधी जयंती है, आपको मैं ये बता दूं, गांधी जयंती और गांधी जयंती पर के उपलक्ष में गांधी जयंती पर आज कांग्रेस जो है वो दो मुद्दों को लेकर सीधा सड़क पर उतर गई, धरने प्रदर्शन पर उतर गए। और देखना अब ये है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है SIT टीम का गठन कर दिया गया है, कांग्रेस कह रही है कि पिछले 15 से 16 दिन तक योगी सरकार कर क्या रही, वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी बात देश के प्रधानमंत्री से हुई, तो कांग्रेस ने तंज कस दिया और कहा कि क्या जब तक प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बोलेंगे तब तक योगी आदित्यनाथ काम नहीं करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इस समय परिस्थिति यूपी में बनी हुई है, कल की अगर आपने बात देखी होगी तो जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनको मिलने भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन आज कांग्रेस गांधी जयंती के उपलक्ष पर ये दो मुद्दों को लेकर धरने पर उतरी। आप लोग देखते रहे अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।